हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस, अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। हमारी जो पाकिस्तान की बड़ी मारूफ मकबूल आलमी शोहरत याफ्ता माहिरा खान है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कि इंटरव्यू में उन्होंने पहले उनकी दो बेसिकली स्टेटमेंट्स आई उसी इंटरव्यू में, और इंटरव्यू के बाद फिर एक और स्टेटमेंट आई, वो तीसरी स्टेटमेंट के बारे में भी बताती हूँ। अच्छा, ये इंटरव्यू दिया उन्होंने किसको था? ये उन्होंने दिया था अनुपमा चोपड़ा को। बिल्कुल, अनुपमा चोपड़ा जो है वो भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी जर्नलिस्ट, बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। तो माहिरा ने उनके सवाल पर या सवाल जो भी गुफ्तगू हो रही थी उसमें माहिरा ने कहा कि मुझे काफी ऑफर्स आईं इंडिया से काम की, मूवीज की, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जब वो रईस फिल्म कर रही थी तो उस वक्त जो है वो बड़ा उनकी तरफ जो है वो ऑफर्स आ रहे थे। बिल्कुल, तो मुझे काफी ऑफर्स आईं और मैं करना भी चाहती थी, लेकिन मैं ऑनेस्टली ये बात कन्फेस करूंगी कि मैं डर गई थी, क्योंकि वहां पर जिस किस्म का माहौल था, पाकिस्तानियों के खिलाफ जिस किस्म की नफरत थी, तो माहिरा डर गई। एक तो ये कन्फेशन था उनका। उसके बाद माहिरा ने कहा कि लेकिन फिर बाद में मैंने ये सोचा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अपनी चॉइसेस किसी के डर खौफ से जो है वो मेक करें। तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि भाई सब फ्री हैं और मैं जो चाहूं कर सकती हूं। तो फिर मैंने खुद को कहा कि नहीं यार, ये नहीं हो सकता कि कोई और मुझे डिक्टेट कर रहा हो और किसी और के डर की वजह से मैं काम ना करूं। तो फिर मैंने खुद को अपना ये फैसला बदला और मैं काम करने में बड़ी इंटरेस्टेड रही हूं, और अब भी वो काम करने में वही कहती हैं कि होप कि भाई फ्यूचर कोलैबोरेशंस होनी चाहिए। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। अब ये चीज सिर्फ पाकिस्तानी समझते हैं, हिंदुस्तानियों को समझ नहीं आती, और हिंदुस्तानियों में सारों की बात मैं नहीं कर रही, बहुत से सेन लोग दिमाग में जिनके कारामद मवाद मौजूद है उनकी बात मैं यही कहना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा जरा सॉफ्ट हो जाऊं, फिर नाजरीन को बुरा भी बहुत लग जाता है। लेकिन ये है कि अब बताती हूँ, तीसरी जो स्टेटमेंट थी जो ज्यादा परेशान कुन है वो है जी, राज ठाकरे का जो राइट विंग है महाराष्ट्र नवनिर्मन सेना, उन्होंने इशू की है स्टेटमेंट, और उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी आओ तो सही ना, कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आके काम नहीं कर सकता, ये हमारे दुश्मन है। ये स्टेटमेंट उनकी आई है, और इधर इनकी किसी किस्म की डुअल पॉलिसी नहीं है। जहां पर उन्होंने हमें दुश्मन माना हुआ था 1947 से, आज तक हम उनके दुश्मन ही हैं। चाहे हम उनको ऑक्सीजन ऑफर कर दें, चाहे हम उनको मदद ऑफर कर दें, चाहे हम उनके साथ किसी इंसानी जो भी इशूज हैं उस पर निगोसिएशन पर बैठ जाएं, चाहे हम जो मर्जी कर लें अच्छाई उनके साथ, उन्होंने ठानी हुई है कि उन्होंने हमारा दोस्त नहीं बनना। ये ऐसा ही सिलसिला। अच्छा, ये जो नवनिर्मन सेना है, हाँ जी, ये बेसिकली राज ठाकरे साहब, ये बाल ठाकरे की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, और इनकी बहुत सारी हरकतें हमारे सामने पहले भी आ चुकी हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो कि पाकिस्तानी फनकारों को जदोकोब करते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं, जो फनकार वहां पर गए हैं उनको डराया धमकाया गया है, मतलब मारा गया है, फिजिकली असॉल्ट किया गया है उनको। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस पर इनका हमेशा से एतराज रहा है, पाकिस्तान की टीम वहां पर क्रिकेट मैच खेलने जा रही थी, इन्होंने पिचें खोद दी थी जी स्टेडियम की कि मैच नहीं होने देंगे। इस कदर ये एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, और भारत तो एक में क्रेडिट मैं जरूर उनको दूंगी कि उनकी इस मामले में कोई ड्यूअल पॉलिसी नहीं है, लेकिन वेस्ट की दोबारा इधर भी ड्यूअल पॉलिसी है। यहां पर उनकी भी ड्यूअल पॉलिसी है कि हिंदुस्तान वो नहीं है, वो जो होता है ना कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, उनके कत्ल भी किसी को नजर नहीं आते, और हमारी आहें भी जो है लोगों को परेशान कर देती हैं। तो आजा शायरी की तरफ जो है, जब मैं जज्बाती हो जाती हूँ ना, फिर मैं कुछ नहीं देखती। सही बात है, गुड। ये तो इस वक्त मुझे गुस्सा आया हुआ है, मतलब आप अंदाजा लगाएं, माहिरा अगर वहां काम कर रही हैं या फवाद वहां काम कर रहे हैं तो हमें तो प्रॉफिट कम हो रहा है, हमारा अदाकार वहां जा रहा है, उनका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। वो जो शाहरुख खान की भी फिल्म थी ना, हाँ वो थी बड़ी, नहीं फिल्म तो चले कैसी भी हो, लेकिन उसके पीछे भी मकसद था, क्योंकि शाहरुख खान जो है उस वक्त जो है उनकी फिल्म्स पे दर पे फ्लॉप हो रही थी, वो एक डिक्लाइन की सूरत डिक्लाइन की उस पर थे। अब उन्होंने कहा कि जी मार्केट कैप्चर करनी है, तो मार्केट कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान की मार्केट जो है वैसे भी उनके पास है तो सही वो मार्केट, लेकिन उन्होंने कहा कि मजीद इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए जी हम माहिरा खान को बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं और उनको जो है वो अपनी फिल्म में कास्ट करते हैं। तो जब ये हुआ, खैर नतीजा जो उसका क्या, खैर सही नहीं निकला, वो फिल्म जो है वो कोई इतना अच्छा कोई बिजनेस नहीं कर सकती थी कर सकी, लेकिन ये है कि ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया के पत्रकार इस पेंडेमिक के समय में, जब पेंडेमिक नहीं भी हो मान लीजिए, तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने ख़राब हैं कि ना यहाँ से कोई वहाँ डायरेक्ट फ्लाइट है, उसके बावजूद इन बेवकूफ़ों को यही टाइम मिला था कि ये डिस्कशन करने का कि भारत पाकिस्तान के कलाकारों को काम क्यों नहीं दे रहा है। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग सोचेंगे कि ये पुराना वीडियो, गाइज ये पुराना वीडियो नहीं है। अगर आपको पुराना वीडियो लगता तो यहाँ पाकिस्तान के इस एंकर ने एक वर्ड बोला कि हमने पाकिस्तान ने भारत को मदद की ऑफ़र की थी, मतलब ये मदद भी क्या करते है? आपको भी पता है जो अभी दुनिया, जब हमारे यहाँ ऑक्सीजन की एकदम से डिमांड ज़्यादा बढ़ी थी
तो दुनिया के कई देशों ने हमें ऑक्सीजन दी, जिसको हमने वैक्सीन दी थी उन्होंने हमारी मदद की, तो पाकिस्तान ने भी वहाँ पर ऐसा बोला कि इन्होंने मदद की पेशकश की थी, हालांकि इन्होंने कुछ ढेला नहीं भेजा। तो इस समय ये बात कर रहे हैं, ये माहिरा खान को काम नहीं मिल रहा। माहिरा खान का आप चेहरा देख सकते हैं, माहिरा खान की उम्र 36 साल हो चुकी है। माहिरा खान ने रईस मूवी में काम किया था, यहाँ पर इन्होंने ये भी बोल दिया कि वो मूवी की चर्चा, जो रईस मूवी की चर्चा हुई थी, वो शाहरुख खान के कारण नहीं, माहिरा खान के कारण हुई। तो गाइज़ आप समझ सकते हो, शाहरुख खान को भी ओवरटेक कर चुकी है माहिरा इन पाकिस्तानियों के हिसाब से। हालाँकि ये बात सच है कि भारत में कुछ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों को इस वजह से काम देते हैं जिससे कि उनकी फिल्में बाहर अच्छा कलेक्शन कर सके। पाकिस्तान की बात कर नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो भारतीय फिल्में बैन है काफ़ी लंबे समय से। बाहर मतलब जैसे ओवरसीज़ में आप देख सकते हो, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, और भी कई देश हैं जहाँ पर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी काफ़ी बड़े नंबर्स में रहते हैं, तो वहाँ पर ये फिल्में अच्छा कलेक्शन करती हैं। अगर उसमें पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी फिर उसके अंदर एक अलग एक्साइटमेंट रहता है फिल्में देखने का। तो गाइज़ ये माहिरा खान, इन्होंने बेसिकली वन फिल्म में काम किया है जिसका नाम है रईस। उसके साथ इनका रणबीर कपूर के साथ ये फ़ोटो काफ़ी वायरल हुआ था, यूएस में थी उनके साथ, ना किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी ना कुछ कर रही थी, मस्ती कर रही थी रणबीर कपूर के साथ। रणबीर कपूर तो आप जानते हो एक फेमस एक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड की सभी लड़कियों के साथ मस्ती की है, और शायद कोई भी नहीं बचा। अब आलिया भट्ट के साथ भी काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है इनका, तो रणबीर कपूर तो आप समझ सकते हो। तो दोस्तों माहिरा खान को इस फोटो के बाद काफ़ी ट्रोल किया गया था, पाकिस्तान के लोग काफ़ी गालियां दे रहे थे कि इस तरीके के कपड़े पहनकर रणबीर कपूर के साथ सिगरेट पी रही है ये और वो इस तरीके की। हालांकि माहिरा खान कोई बुरी एक्टर्स नहीं है, लेकिन गाइस आपको भी पता कि माहिरा खान से भी अच्छे फेसेस इंडिया में हैं। माहिरा खान पर्सनली मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग अच्छी है, ये बात तो मतलब माननी पड़ेगी, एक्टिंग अच्छी करती हैं, लेकिन उनसे अच्छे चेहरे भारत में। लेकिन इनको इसलिए लिया जाता, मैंने आपको क्लियर किया, जिससे कि ओवरसीज़ में इंडियन मूवी कलेक्शन अच्छा कर सके, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। खासकर आपने देखा होगा करण जौहर अपनी मूवी में पाकिस्तानियों को काफ़ी लेते हैं, और भट्ट कैम काफ़ी लेता है, तो ये लोग इसी लिए लेते हैं जिससे कि ओवरसीज़ में कलेक्शन कर सकें। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।